मत में आ सकती अगर बनती है तो बिल्कुल यही बात है। हर कोई यही सोच रहा है कि किसी तरह से जो नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, कोई अपना फैसला बदलें ताकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मजबूती मिलती हुई नजर आए, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बड़े कह सकते उलटफेर हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा दिन भर में जो हलचलें पैदा होती रहीं, कभी 5 मंत्रालय नायडू मांग रहे हैं, कभी 3 से 4 मंत्रालय एक तरीके नीतीश कुमार मांगते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की अपनी डिमांड अलग है, मांझी की डिमांड अपनी अलग है। कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आने के बाद के जो बाद आंकड़े बच जाते हैं, जो सीटें उनको और जोड़नी पड़ेगी, वो सीटों का जुगाड़ वो कहाँ से करेंगे, उनको कहाँ से जोड़ पाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, निर्दलियों की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा उनसे पहले ही जो है अपना संपर्क साध चुकी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है शरद पवार और जो है लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को जो इस खेल में उतरना पड़ेगा, तभी जा कर के बात जो बनती नजर आएगी। एक तस्वीर नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, बहुमत का आंकड़ा भी एनडीए गठबंधन पार कर चुकी है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये अभी भी कहीं ना कहीं सोच विचार करने का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और नायडू पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए खेमा टिका हुआ है, नायडू और नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए खेमा असमंजस की स्थिति में दिख रहा है। भले ही आज बैठक में नायडू और नीतीश कुमार जो है शामिल हो गए, लेकिन क्या कितनी देर तक ये एनडीए के साथ टिकेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार का सियासी सफर रहा है उसको लेकर के कोई भी पार्टी कंफर्टेबल उनको होती नहीं है उनके साथ, और जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, ऐसे में अखिलेश यादव को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को वापसी इंडिया गठबंधन में कराने की। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त वापसी कर पाए हैं, क्या इंडिया गठबंधन को भी सत्ता में आने का काम कर पाएंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अखिलेश के इशारों पर काम करते हुए नजर आएंगे, क्या इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी होती नजर आएगी। न्यूज रूम में तमाम जो हमारे सहयोगी हैं जो बारीकी से इन खबरों पर जो है नजरें बनाए हुए, इनसे समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वक्त जो है देश की राजनीति में हलचल क्यों तेज है और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ अक्षय हैं, उनसे सवाल लेंगे कि अक्षय, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनकी वापसी इंडिया गठबंधन में कराएं, ऐसे में अखिलेश यादव क्या कुछ कर पाएंगे आपको लगता है? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि अब शायद ये चीज़ इतना होना मुश्किल है। अक्सर कहा जाता है कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। मुझे नीतीश कुमार का जिस तरीके से वो वाक्या था जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के एक संसदीय क्षेत्र में रैली कर रहे थे, बीजेपी के रथ पर सवार थे, बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथों में था, और उनका जो यहाँ पर चेहरे का हाव भाव था वो ये बयां कर रहा था कि मन नहीं है बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने का, सिंबल हाथ में लेने का, लेकिन ये करना पड़ रहा है, ये बात लगातार कही गई। अब इसकी यहाँ पहले की कोई पुष्टि नहीं है, ऐसी ही अब एक तस्वीर यहाँ पर तेजी से वायरल हुई है। इस समय दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और उस बैठक की एक तस्वीर आई है जिसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी एक और गृहमंत्री अमित शाह है, दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दूसरी ओर बिल्कुल बगल में यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू मौजूद है, नायडू के एकदम बगल में यहाँ पर नीतीश कुमार मौजूद है। और अक्सर हम देखने को मिलता है यहाँ पर कि जब बड़े नेता के बगल में यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उसके मायने तो देखकर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निकलते हैं, बिल्कुल बड़े सियासी मायने निकलते हैं, और उसका यहाँ जो मतलब निकल रहा है वो यही है कि बीजेपी भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहमियत जानती है, और वे दोनों भी जानते हैं कि अगर एनडीए में रहेंगे तो यहां पर ऊंचा पद मिल सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां पर तकरीबन 5 से 8 केंद्रीय मंत्री पद मांगे हैं, इसके अलावा 2 यहां पर राज्य मंत्री भी मांगे, और नीतीश कुमार ने भी 3 केंद्रीय पद और 1 राज्य मंत्री की मांग रखी है, वो अगर मंजूर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए बने रहेंगे और इंडिया में शायद ना जाएं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन जो है तमाम तरह की कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल किया गया कि आप जो है विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे या फिर सरकार बनाने की कवायद में जुटेंगे, तो साफ तौर पर मुस्कुराते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था इस बात को कि सब चीज अगर हम यही बता देंगे, अभी बता देंगे, तो मोदी होशियार हो जाएंगे। और ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने
लाने की पहल कर रहा है। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अभी देखें तो इंडिया गठबंधन के जो बैठक है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में एनडीए गठबंधन एक तरफ, इंडिया गठबंधन एक तरफ, बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर के दोनों ही दल असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन दावे कर रहा है कि कहीं ना कहीं पलटी मारते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए लगातार कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार उनके साथ बने रहे। क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसमें बिल्कुल अभी अक्षय ने जैसे बात कर रहे थे कि पीएम मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू नजर आते हैं, उनके साथ में नीतीश कुमार नजर आते हैं। इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं सिराज, क्योंकि अगर आप देखें कि इन जिस तरह से पीएम मोदी के साथ में अमित शाह नजर आते थे, जेपी नड्डा नजर आते थे, उसके अलावा बाकी लोग नजर आते थे, लेकिन ये तस्वीर इसलिए बदली कि यहाँ पर अब बीजेपी को नायडू की भी जरूरत है, नीतीश की भी जरूरत है, क्योंकि अगर ये इनके पास से छिटके तो आप ये समझिए कि बीजेपी की जो सरकार है वो अल्पमत में आ सकती है अगर बनती है तो। बिल्कुल यही बात है, हर कोई यही सोच रहा है कि किसी तरह से जो नीतीश कुमार हैं, नायडू हैं, कोई अपना फैसला बदलें ताकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मजबूती मिलती हुई नजर आए, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बड़े कह सकते उलटफेर हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा दिन भर में जो हलचलें पैदा होती रहीं, कभी 5 मंत्रालय नायडू मांग रहे हैं, कभी 3 से 4 मंत्रालय एक तरीके नीतीश कुमार मांगते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की अपनी डिमांड अलग है, मांझी की डिमांड अपनी अलग है। ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर मुश्किल हो रही है बीजेपी के लिए, और यही तस्वीर बयां कर रही है कि क्यों बीजेपी को इस तरह से नायडू और नीतीश कुमार को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है। तो इसके साफ साफ मायने के यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से बहुमत से दूर है, वो नहीं चाहती कि उनके जो मजबूत पिलर हैं दो, नायडू और नीतीश, उनका साथ छोड़कर जाएं, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो बीजेपी यहाँ पर मुश्किलों में पड़ सकती है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं जो इतिहास रहा है ये दल बदल की रणनीति रही है, ये कहने की भारतीय जनता पार्टी इससे चिंतित नजर जरूर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो बैठकों दौर शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या कुछ इंडिया गठबंधन जो है वो कमाल कर पाता है। ऐसे में अखिलेश यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कितनी कामयाबी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी, क्या अखिलेश यादव इस दोस्ती को राजनीतिक फायदे में बदल पाएंगे, क्या नायडू और नीतीश इंडिया गठबंधन में वापसी कर पाएंगे। मेरे साथ अबरार मौजूद है, उनसे सवाल लेंगे कि जिस तरीके से देख रहे हैं अभी कि कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है, अखिलेश यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ लगता है आपको, क्या जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बना पाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन जाहिर सी बात है कि जो है सीटों के आंकड़ों को लेकर के जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए बैठी है। जाहिर सी बात है कि जो बयान दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा, उद्धव ठाकरे के द्वारा, संजय राउत के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो 32 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए चाहिए, हालांकि कुल अगर एनडीए का हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आंकड़े पूरी तरीके से पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये दोनों चेहरे जो हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार जो है इनकी निर्भर रहने वाली है। और बड़ी बात ये है कि आप सोचिए कि इस समय जो है जो नारे लगाए जा रहे थे चुनाव से पहले मोदी सरकार, वो नारे अब कहीं ना कहीं भाजपा के नेता भी उसको बोलने से परहेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार बनने जा रही है, ये सरकार एनडीए की सरकार होगी, ना कि जो है मोदी सरकार होगी, भाजपा सरकार होगी। तो शब्दों में भी आप देखिए कि कल से ही जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं इन बातों को लगातार दोहरा रहे हैं कि जो है एनडीए परिवार की सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का दबाव और प्रेशर जो है वो आने वाले 5 वर्षों तक भी बना रहेगा अगर सरकार बन भी जाती है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस बात को लेकर के चर्चा तो हो रही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आने के बाद के जो बाद आंकड़े बच जाते हैं, जो सीटें उनको और जोड़नी पड़ेगी, वो सीटों का जुगाड़ वो कहाँ से करेंगे, उनको कहाँ से जोड़ पाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, निर्दलियों की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा उनसे पहले ही जो है अपना संपर्क साध चुकी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है शरद पवार और जो है लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को जो इस खेल में उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के बात जो बनती नजर आएगी। एक तस्वीर जो सुबह से चल रही है उसको लेकर के चर्चा इस समय काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक फ्लाइट से आए, और उसमें बड़ी बात यह है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ की उसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर थे। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं इस समय चर्चा का विषय है कि आखिरकार सीट की अदला बदली कैसे हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बात अंदरूनी खाने ज़रूर
बन रही होगी, बातचीत चल रही होगी, लेकिन देखना होगा क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के तहत ही जो है फैसला लेती है, कदम उठाती है। और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में बीते 7-8 वर्षों में 10 वर्षों में जो एक विचारधारा की राजनीति थी वो समाप्त हो चुकी है। जब शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है तो आप सोचिए कि विचारधारा जो है वो किस खाने जो है सो रहा होगा। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो आने वाले 1-2 दिन जो है वो जो है बड़े क्रोशियल रहने वाले हैं, और इन 2-3 दिनों में ये तय होगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने और एनडीए खेमे की तरफ से एक ऐलान ज़रूर कर दिया गया है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे। एक तरीके से जो है इन तमाम बातों पर या जो कयास आरई का बाजार चल रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद का शपथ तभी ले पाएंगे जब सीटों को लेकर के खास तौर से जो है मंत्रालयों को लेकर के बात जो है वो बन जाएगी। चूँकि TDP JDU दोनों जो है पूरी तरीके से अपना दबाव बनाए रखी है, और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि जो है पदों को लेकर के भी बात जो है वो काफ़ी फंसती हुई नज़र आ सकती है। चूँकि BJP के पास जाहिर सी बात है 240 सीटें हैं, तो वह हर मुमकिन कोशिश करेगी कि तमाम जो मलाईदार मंत्रालय होते हैं, बड़े बड़े पद जो होते हैं वो अपने पास रखें। लेकिन TDP और JDU ये बात बखूबी जानते हैं कि उनके बगैर इनकी सरकार नहीं चल सकती, नहीं बन सकती, तो पूरे तौर पर दबाव बनाएंगे कि उनके पास जो अहम मंत्रालय हैं उनकी जिम्मेदारी रहे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया मंत्रालयों को लेकर कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी पार्टी की तरफ से इस मांग को कहीं ना कहीं रखी जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं, वहीं JDU की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश से बड़ा कोई चेहरा, नीतीश से अच्छा कोई चेहरा हो नहीं सकता। क्या इस बात के ये संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी ढंग से उलटफेर करने की सोच रही है तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वो अपने बहुमत आंकड़े जो है उसको हासिल नहीं कर पाई है, उनको हमारे सहारे की जरूरत है। क्या इस बात के संकेत हैं कि भविष्य में बगावत भी हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल जो है बगावत के जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आसार जो है हमेशा नजर आते हैं गठबंधन की सरकार में, और यही वजह है कि जब से वो उस बहुमत के आंकड़े को भाजपा ने नहीं पाया है, कल से जब नतीजे आए उसके बाद से ही जो है BJP के तमाम बड़े चेहरे हैं जो उनके चेहरे पर देखे कि वो सारी चीज़ें जो है सीधे तौर पर झलकती नजर आती है। चूँकि अगर बहुमत के आंकड़े को आप नहीं पा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन की सरकार चलाने की भाजपा की आदत नहीं है। 2014 के बाद से 2019 की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक जो है पूरे तौर पर जो है उनको बहुमत मिलता रहा और अकेले अपने दम पर सरकार चलाते रहे। NDA के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है लेकिन कभी भी NDA जो है नाम की कोई चीज़ आपको जो है सरकार के भीतर नज़र नहीं आती है। ना तो कभी NDA की बैठक हुई, ना तो कभी NDA का कन्वीनर बनाया गया, और ना ही NDA में बैठक करके किसी कानून का जो प्रस्ताव है वो लाया गया संसद में। लेकिन इस बार की जो परिस्थिति वो बिल्कुल अलग है, NDA की बैठक भी करनी पड़ेगी, कोई कानून लाना है तो तमाम जो है साथी दलों से चर्चा करनी पड़ेगी, तब जा करके मामला जो है वो तय हो पाएगा। और TDP की जहाँ तक बात है या जो है JDU के मंत्रालयों की बात है तो मुझे लगता है कि जो स्पीकर का पद हो या वित्त मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, तमाम के तमाम जो बड़े मंत्रालय उसको लेकर के जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इसको लेकर के अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है, जो सटीक सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि इन मंत्रालयों को लेकर के TDP JDU जो है एक तरीके का दबाव बना सकती है। जीतन राम मांझी भी अपने जो मंत्रालय को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स आपके ऊपर जो है सरकार बनाने के समय ही नहीं बल्कि जब तक आपकी सरकार चलती रहती है तब तक बना रहता है। चूँकि इस समय जो आंकड़ों का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि कभी भी आने वाले भविष्य में 1-1.5 वर्षों के बाद अगर स्थिति ये पैदा होगी तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को भी सरकार बनाने का मौका मिल जाए। तो ये स्थिति है और इसलिए कहीं ना कहीं जो है NDA जो है और पूरे खेमे को जो है सोच समझ करके, सोच बूझ करके ये सरकार चलानी पड़ेगी। अभी भी आप देखें कि बैठकों का दौर चल रहा है, आप देखते हैं कि ये जो बैठक खास करके इस समय चल रही है ये किस नतीजे पर पहुंचती है। और चंद्रबाबू नायडू ने जो जो है दिल्ली पहुंचने से पहले जो बयान दिया था और ये कहा था कि वो NDA की इस बैठक में जा रहे हैं, देखते हैं कि इस बैठक में जो है क्या फैसला लिया जाता है, क्या स्थिति निकल करके सामने आती है, तो देखिए क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव ने भी कई सारे दावे किए हैं, वादे किए हैं, कई सारे संकेत दिए हैं, तो फिलहाल मुझे लगता है कि इंतज़ार जो है करना पड़ेगा अभी भी कि आखिरकार सरकार फॉर्मेशन पर सभी नेता राजी हो भी जाते हैं NDA के तो उसके बाद
सीटों को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के, स्पीकर को लेकर के किस तरीके से बात जो है वो बन पाए जी। बिल्कुल, किस तरीके से जो बात है वो बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह की जो खबरें सामने आ रही है, एक तरफ स्पीकर पद, दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, समर्थकों द्वारा इस बात को कहना कि नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के लिए कोई है नहीं, क्या इस बात के संकेत है जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में इस वक्त हलचल तेज है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वह कौन से मंत्रालय है जिस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार टिकते हुए नजर आएंगे, और अगर सरकार बन भी जाती है तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, क्या फिर से इंडिया गठबंधन कुछ कमाल करता हुआ नजर आएगा और सरकार गिरेगी एनडीए की और इंडिया की बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।